आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिटिंग प्रॉब्लम्स। जो पहले हमारा था वो भी फिटिंग प्रॉब्लम्स था, लेकिन उसमें जो थी हमारी फिटिंग प्रॉब्लम्स वो थी हमारी अपर गारमेंट्स की। जो हमारे गारमेंट्स में जो फिटिंग प्रॉब्लम्स होती है वो भी दो तरह की होती है, एक होती है हमारी अपर गारमेंट्स और एक होती है हमारी लोअर गारमेंट्स। तो अपर गारमेंट्स की प्रॉब्लम्स पहले हो चुकी है, आज है हमारा लोअर गारमेंट्स। देखिए, लोअर गारमेंट्स की जो ये फिटिंग प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे जो गारमेंट के निचला हिस्सा होता है उसमें आती है। तो जिसमें है हमारी लोअर गारमेंट्स की जो डिफेक्ट है या प्रॉब्लम्स हैं दो तरह की होती हैं, एक होती है रिंकल्स एंड फोल्ड ऑन द हिप लाइन एंड वेस्ट लाइन, दूसरी होती है रिंकल्स पॉइंट टू रियर हिप। तो अब है हमारी पहली रिंकल्स एंड फोल्ड ऑन द हिप लाइन एंड वेस्ट लाइन। तो जो इसका कॉजेज है यानी कि जो इसका कारण है वो है कि यह समस्या लार्ज हिप वाली महिला को होती है और इस प्रकार के परिधान हिप पर से टाइट होते हैं। क्योंकि देखिए, जो ये समस्या है ये ज़्यादातर जो लार्ज हिप यानी कि जिनकी जो हिप साइड होते हैं वो बड़े होते हैं या ज़्यादा लार्ज होते हैं, तो ये दिक्कत उनको होती है। क्योंकि जब हम किसी भी गारमेंट को पहनते हैं, मान लीजिए अगर कोई सूट पहन रहे हैं, तो वो पहनने के बाद उसमें क्या होता है कि वो सूट हिप की साइड से क्या होता है कि वो उसमें फोल्ड होने लगता है, यानी कि वो वहाँ से या तो मुड़ने लगता है या फिर वो क्या होता है कि हिप लाइंस पे वो इकट्ठा होने लगता है, यानी वो नीचे की ओर नहीं हो पाता ज़्यादातर। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो गारमेंट है वो हिप लाइन पे इकट्ठा होने लगता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी अल्ट्रेशन वो है कि स्कर्ट की सीधी यानी कि जो वर्टिकल सिलाई होती है, जो हम गारमेंट में सीधी सिलाई देते हैं, सबसे पहले उसको खोलें। यानी कि अगर मान लीजिए अगर कोई सूट है या फिर कोई आपको लगता है कि और दूसरा कोई गारमेंट है या कोई स्कर्ट है, तो आपकी जहाँ से यानी कि हिप लाइन की साइड से अगर आपका जो फैब्रिक है या जो गारमेंट है आपका टाइट आ रहा है या फंस रहा है, तो उसको आप वहाँ से खोल लेंगे। क्योंकि वो जो आपकी वर्टिकल लाइन है यानी जहाँ से वो टाइट आ रहा है, जहाँ से उसकी लेंथ वाइज या वर्टिकल की साइड से जो आपकी स्टिच हो रही है वो सीम आ रही है, उसे सीम को ओपन करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि उसके बाद उसकी साइड की सिलाई को बढ़ाएंगे, यानी कि साइड की सिलाई को बढ़ाना यानी कि जहाँ पे पहला मेजरमेंट था यानी जहाँ पे हमारा गारमेंट टाइट था उस सीम को हम और बढ़ा देंगे, यानी उस सीम को और हम ओपन कर देंगे, उस जगह को और खोल देंगे। उस जो सीम हाँ जहाँ मेजरमेंट था पहला, वहाँ से उस सिलाई को हम ओपन करेंगे यानी उसको हम खोल देंगे और उसकी जगह हम और थोड़ा सा मेजरमेंट बढ़ा देंगे वहाँ से, या फिर हम उस सिलाई को और थोड़ा आगे कर देंगे ताकि जो वो जगह है वो थोड़ी और बढ़ जाए, या फिर जो उसका थोड़ा सा मेजरमेंट है उस मेजरमेंट को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो गारमेंट है पहनने वाला व्यक्ति उसको सही से आता है गारमेंट। फिर सिलाई लगाएं, यानी कि उसके बाद क्या करते हैं, जब हमने उसकी सीम को ओपन किया, ओपन करने के बाद क्या होता है कि इसमें ओपन कर लिया हमने, फिर हम उसका सही से दोबारा से मेज़रमेंट लेंगे। मेज़रमेंट के बाद हम उसको मार्क करेंगे और मार्क यानी कि उस पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम उसको निशान हम तब लगाते हैं जब हमें लगे कि यहाँ जहाँ उसका मेज़रमेंट है कि इस मेज़रमेंट तक ये गारमेंट अच्छे से आ जाएगा, फिर उसके बाद हम उस पर मार्क करने के बाद हम उस पर स्टिचिंग यानी सिलाई लगाते हैं, जिससे कि स्कर्ट की फिटिंग पहले की अपेक्षा यानी जो पहले टाइट थी वहाँ से फिर वो सही आ जाती है। यानी कि वो जो गारमेंट अच्छे से नहीं आ पा रहा था तो हमने इसकी सीम्स को खोल लिया और खोलने के बाद फैब्रिक को और बढ़ा लिया ताकि वो पहनने वाले व्यक्ति को अच्छे से और आराम से आ जाए, जिसमें कि ये जो डिफेक्ट है उसको दूर किया जा सकता है। या फिर अगर ये किसी गारमेंट में ये प्रॉब्लम्स आती है तो उस स्थान पे जहाँ से हमारा गारमेंट टाइट है या नहीं आ पा रहा है या वहाँ पर फोल्ड हो रहा है फैब्रिक यानी मुड़ रहा है, दोबारा से उसकी डबल लेयर आ रही है वहीं पे, तो क्या करेंगे, या वो फैब्रिक इकट्ठा हो रहा है
रहा है तो क्या करेंगे, उस जगह से हम उसका थोड़ा सा मेजरमेंट बढ़ा देंगे, यानी कि वहाँ से हम वो गारमेंट या वो जो जो भी गारमेंट है उसको वहाँ से थोड़ा सा खोल लेंगे, यानी वहाँ से उसको थोड़ा सा लूज़ रखेंगे ताकि वो पहनने में बाद में परेशानी या दिक्कत ना करें। फिर आता है रिंकल्स पॉइंट टू रियर हिप, जो उसका कारण है या जो उसकी समस्या है, यह समस्या लार्ज रियर हिप वाली फीमेल के साथ आती है और इस समस्या में परिधान पीछे की साइड से ऊपर की ओर चढ़ता रहता है और परिधान अधिक टाइट होता है। तो जो इसकी अल्ट्रेशन है वो ये है कि स्कर्ट की साइड की जो सिलाई है उसको खोले, जो कि हमने पहले वाली अल्ट्रेशन में भी किया है कि उसकी जो साइड्स की सीम है उसको हम खोलेंगे, यानी जो उसकी सिलाई लगी हुई है उस सिलाई को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद परिधान को थोड़ा नीचा बनाया जाता है क्योंकि वो टाइट होने के बाद ऊपर उठने लगता है या वो ज़्यादा ऊपर की ओर चढ़ता रहता है, तो उस परिधान को हम थोड़ा नीचे बनाएंगे, यानी कि उसकी जो लेंथ है उसकी लेंथ को बढ़ा दी जाएगी जिससे वह ऊपर को न चढ़ता रहे, यानी कि जब हम उसकी लेंथ को बढ़ा देंगे तो बार बार वो ऊपर नहीं चढ़ेगा। फिर क्या होता है कि फिर जहाँ सिकुड़न है वहाँ अच्छी तरह प्रेस करेंगे और वस्त्र को पूरी तरह फैलाने के बाद वस्त्र की कटिंग करनी चाहिए, यानी कि जब हम किसी भी गारमेंट को स्टिच करते हैं या दोबारा से रिस्टिच करते हैं तो उसको जब उसकी स्टिचिंग जो उसकी सीम्स हैं सीम को ओपन करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे अगर सलवटें आती हैं, यानी कि जहाँ फैब्रिक में सिकुड़न है, तो उसको क्या करेंगे हम उसको वहाँ पे पहले आयरन से उसको जो उसकी सरफेस है उसको एक समान बनाएंगे, उसको जो उस फैब्रिक है जो गारमेंट है उसकी वो जो एक समान बनाते हैं उसको, फिर उस पर प्रेस करने के बाद हम उसे अच्छी तरह से फैला लेते हैं, यानी इसको स्प्रेड कर लेते हैं, और उसको फैलाने के बाद हम उसका एक बार फिर से मेज़रमेंट करते हैं। अगर वो हमारा फैब्रिक टाइट है तो उसको हम दोबारा से उसका जो मेज़रमेंट है उसको बढ़ा देंगे उस जगह से जहाँ से वो टाइट है, और उस पर मार्क करने के बाद जब वो गारमेंट जो फैब्रिक है उस पर जब मार्क कर लेंगे तो मार्क करने के बाद हम उसकी कटिंग करते हैं और कटिंग के बाद हम उसकी स्टिचिंग कर लेते हैं जिससे कि जो डिफेक्ट है वो कम हो जाता है या फिर वो जो डिफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो ये टॉपिक है कि एक गारमेंट में किस तरह की फिटिंग प्रॉब्लम्स आती है, कई बार ऐसा होता है कि हम डार्ट्स शो करते हैं गारमेंट में, लेकिन दोनों अगर हमने मान लीजिए अगर हमने बैक साइड दोनों डार्ट्स दी हैं लेकिन उनका सही मेज़रमेंट नहीं है, एक डार्ट आपकी ओपन हो गई या एक आपकी जो डार्ट है वो नीचे हो गई एक ऊपर हो गई, या उनकी जो मेज़रमेंट है वो ऊपर नीचे हो गई या वो थोड़ा कम या ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा कि वो एक तरह का डिफेक्ट हो जाता है या एक तरह की फ़िटिंग प्रॉब्लम हो जाती है कि जो बैक साइड का हिस्सा होता है उसमें वो प्रॉपर फिटिंग नहीं आती। इसी तरह फ्रंट का कोई हिस्से में अगर आपने डार्ट्स लगाई है, आर्म होल में डार्ट है, नेक की साइड आपकी डार्ट है, अगर आपकी डार्ट का मेज़रमेंट गलत है या आपने स्टिचिंग में फैब्रिक को कम या ज़्यादा लिया है तो भी उसमें क्या होता है कि आपकी जो मेज़रमेंट है वो ख़राब हो जाती है, यानी कि वो गारमेंट या तो कहीं से लूज़ आता है, टाइट आता है, उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, तो वो थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है पहनने वाले व्यक्ति के लिए। तो जो फैब्रिक्स है या गारमेंट है तो उसमें भी क्या होता है कि अलग अलग तरह की जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं या अलग अलग तरह की फिटिंग प्रॉब्लम्स होती है, जो कि कहीं ना कहीं एक गलत मेज़रमेंट की वजह से आती है या जो एक्चुअल बॉडी मेज़रमेंट होता है उसकी वजह से भी कई बार फिटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा फैब्रिक होता है वो अगर हम उसको मान लीजिए अगर कोई कॉटन का फैब्रिक है और बिना उसको पानी में भिगोए हुए हम उसको स्टिच करते हैं तो बाद में क्या होता है कि बाद में वो श्रिंक होने लगता है, यानी वो सिकुड़ने लगता है, और सिकड़ने के बाद जो आप उसकी मेज़रमेंट देते हो गारमेंट में वो उसकी एक्चुअल मेज़रमेंट नहीं रहती क्योंकि आपने उसको स्टिचिंग से पहले नहीं धोया, आप उसको स्टिचिंग के बाद धो रहे हो, तो जो आपने मेज़रमेंट रखा फैब्रिक में वो क्या होता है कि वो श्रिंक के बाद उसकी मेज़रमेंट कम हो जाती है। तो जब कोई व्यक्ति उस गारमेंट को पहनता है तो उसको टाइट आने लगता है। तो
हमेशा कुछ चीज़ें या कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि आपने नोट रखना चाहिए कि अगर हम किसी कॉटन फैब्रिक का कोई गारमेंट पहनते हैं तो उसको पहले हम पानी में भिगोते हैं, क्योंकि जितना भी श्रिंक फैब्रिक को होना है वो पानी में हो जाएगा, उसके बाद हम उस पर मेज़रमेंट डालते हैं ताकि इसके बाद वो बाद में इतना श्रिंक नहीं होगा। तो कुछ डिफेक्ट्स आते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, फिटिंग प्रॉब्लम्स, जो सही मेज़रमेंट ना लेने के कारण या कभी कभी कुछ कमियों के कारण फैब्रिक्स में या गारमेंट्स में फिटिंग प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो जो ये टॉपिक है फिटिंग प्रॉब्लम्स का, ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।